हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। रिजल्ट वगैरह सबके आ चुके हैं, चाहे 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों। तो अब आप लोगों के रिजल्ट आई थिंक सबके क्लियर होंगे, किसकी कंपार्टमेंट आई है, कौन एक सब्जेक्ट में फेल है, कौन दो सब्जेक्ट में फेल है, कौन ऑल ओवर पास है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग गई होंगी। सो आधे स्टूडेंट उनमें ऐसे होंगे जिनकी कंपार्टमेंट आ रखी है, आधे बच्चे ऐसे हैं जो जिसको बोल सकते हैं कि फेल हैं, और आधे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं। तो आई थिंक वो चीज़ अब आप सब लोगों को क्लियर है कि आप 10th में जैसे पास हैं या नहीं हैं, और 12th में पास हैं या नहीं हैं। और आप लोगों का अगर ये बोला जाए कि आगे की प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाली है, तो वो भी शायद पता होगा। आज आप थोड़ी भागदौड़ देख रहे हो, आज हम कहीं और हैं, फंक्शन में हैं, तो वहीं पर वीडियो बना रही हूँ मैं। तो आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे कंपार्टमेंट के फॉर्म बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम निकले हैं या नहीं निकले हैं, तो उसके उस पर मैं आपको बता सकती हूँ कि कंपार्टमेंट के जो फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं। जैसे कि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्म सबमिशन हो रहा है, तो आप लोग वो स्टार्ट कर दीजिए भरना, ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे रीचेकिंग हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, उसके सबके फॉर्म्स भी निकल चुके हैं। आधों ने भर दिए हैं और आधे अभी प्रोसेस में हैं। जो भी आप लोगों को डाउट आते हैं, जैसे और आधे ऐसे हैं जो सीटीपी के तहत अपना एग्जाम देंगे, जैसे दो में फेल हैं, तीन में फेल हैं, तो वो सीटीपी के तहत आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। स्कूल में एडमिशन को लेकर बहुत बच्चों का डाउट है कि हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो बच्चे, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सब स्कूल का जो सिस्टम है वो अलग अलग होता है कि हमें एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा, आप लोगों को स्कूल में जाना पड़ेगा, वहाँ पता करना पड़ेगा। एक स्कूल में बात करके काम नहीं बनेगा, दो तीन स्कूल, चार स्कूलों में चक्कर लगाइए, वहाँ पर पता कीजिए एडमिशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद जैसे बच्चों का नेक्स्ट डाउट जो आ रहा है कि मैम अब हम लोगों के जैसे कंपार्टमेंट का पेपर होगा या सीटीपी के थ्रू हम पेपर देंगे, तो उसका पेपर कैसा होगा, किस तरीके का होगा, हमें कब पता लगेगा कि रोल नंबर आ गए हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि फॉर्म निकल गए हैं सीटीपी वाले। तो बेटा वो मैंने जितना पता किया है बोला जा रहा है कि अगले महीने तक, अगस्त सितंबर तक वो फॉर्म्स निकल जाएंगे, ठीक है। और आप लोग वो फिलअप भी कर सकते हैं, आसपास के जो कैफ़े होते हैं वहाँ पर आप पता कर सकते हैं जाकर। और दूसरी चीज़ जो बच्चे बहुत कॉमनली डाउट पूछ रहे हैं कि मैम डिपार्टमेंट का पेपर कैसा होगा और किस तरीके का होगा, व्हाट इज़ द लेवल, तो लेवल क्या होगा अगर मैं बात करूँ, तो लेवल की अगर बात करी जाए तो नॉर्मल ही होता है, ठीक है, सिंपल। इस तरफ जैसे आप लोगों ने अभी पेपर दिए थे नॉर्मल, और अभी जो पेपर होंगे वो इतना ज़्यादा लेवल का फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम MCQs आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसमें अगर पैटर्न सेम बोला गया है तो चांसेस 99% हैं कि MCQs आएंगे, और उतने ही आएंगे, ठीक है। सो आप लोग सब लोग आसपास के स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशन का पता करने लग जाइए, ठीक है, चाहे 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों। आप लोग 12th वाले कॉलेजेस में पता कीजिए एडमिशन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मतलब आपका हो सकता है नहीं हो सकता है, जैसे कई बच्चे दो में फेल हैं तो इस तरीके से, ठीक है। एक वालों का तो कंपार्टमेंट फॉर्म भी निकल चुके हैं, तो आप लोग इजीली वो फॉर्म भर सकते हैं, और जुलाई में ही पेपर है उसका, तो उस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करने लग जाइए, ठीक है। पैटर्न सेम रहने वाला है, और जहाँ तक मैं बोलूँ कि उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे, वो भी सेम रहेगा, ओके। सो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, ठीक है बच्चे। बाकी इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछते ही रहते हो, जो अगर आपको मेजर डाउट होता है तो फिर वो आप मुझे हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके अलावा कुछ और अगर आपको पूछना हो या कुछ और ऐसी चीज़ हो जो रह गई हो या मेरे माइंड से स्किप हो गई हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।